तो इसके 10 मार्क्स हैं। सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। उनमें से सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। सी प्लस प्लस या हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज 3 किस्म की होती है, एक हो गई हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी हो गई मिडल लेवल लैंग्वेज, तीसरी हो गई मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो जीरोज और वन्स में होती है, यानी वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है, वो जीरो और वन्स है और उसका मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद यानी जीरो और वन्स में प्रोग्राम लिखना आसान नहीं होता है, तो एक और लैंग्वेज डेवलप हो गई, उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं, ये मिडल लेवल लैंग्वेज है, मिडल लेवल लैंग्वेज। और जो सी प्लस प्लस हैं या सी है, जावा है या पीएचपी है, दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज, दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज, यानी ये लैंग्वेज इंग्लिश लाइक हैं। यानी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस में तो हमें लगता है तो इंग्लिश ही मिलती जुलती है, लेकिन तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश ही मिलती जुलती है। और इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर वो प्रोग्राम कन्वर्ट होता है किस में, बाइनरी लैंग्वेज में, जीरोज और वन्स में, फिर वो कंप्यूटर को समझ आता है। यानी हम जो लिखते हैं वो हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं, ओके। यानी सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस का मतलब हुआ कि इसमें हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एनी प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। चाहे वह हम दुकानदार के लिए लिखें वो भी लिख सकते हैं, हम स्कूल के लिए बनाएं स्कूल के लिए भी बना सकते हैं, हम रेलवे के लिए बनाना चाहेंगे तो उसके लिए भी बना सकते हैं, ओके। यानी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, इट वॉज डेवलप्ड बाय बेंजामिन स्ट्रॉस इन 1979। ये लैंग्वेज बेंजामिन स्ट्रॉस ने 1979 में बनाई, डेवलप की। किसने? बेंजामिन स्ट्रॉस ने 1979 में। और कहाँ बनाई? उस लेबॉरेटरी का नाम है बेल लेबॉरेटरीज। ये बेल लेबॉरेटरीज कहाँ है? ये न्यू जर्सी यूएसए में है। न्यू जर्सी उस सिटी का नाम है, इस रियासत का नाम है, और ये यूएसए में है यानी अमेरिका में। इनिशियली इट वाज कॉल्ड सी विथ क्लासेस, पहले इसका नाम था सी विथ क्लासेस। यानी 1979 में जब ये बन गई सी प्लस प्लस तो उसका नाम रखा गया सी विथ क्लासेस। सी प्लस प्लस सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, जो सी प्लस प्लस है ये सी लैंग्वेज की सुपर सेट है। यानी इससे पहले एक लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस से पहले एक लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज, उसी सी लैंग्वेज को डेवलप करके सी प्लस प्लस बनाया गया। अब सी लैंग्वेज में अगर कोई भी प्रोग्राम होगा वो सी प्लस प्लस में चलेगा। सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम किस में चलेगा? सी प्लस प्लस में चलेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सी प्लस प्लस का हर एक प्रोग्राम किस में, सी लैंग्वेज में चलेगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज बाद में बन गई, सी पहले बन गई, इसलिए सी प्लस प्लस को सी लैंग्वेज का सब कुछ पता है, लेकिन सी लैंग्वेज को सी प्लस प्लस का पता सब कुछ नहीं है। इसलिए सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कभी चलता है सी में, कभी नहीं चलता है। लेकिन सी के सारे प्रोग्राम किस में चलेंगे? सी प्लस प्लस में। इन 1983 इट वॉज कॉल्ड सी प्लस प्लस, पहले इसका नाम था सी विथ क्लासेस, लेकिन 1983 में इसका नाम पड़ गया सी प्लस प्लस, ओके। हर लैंग्वेज का अपने कैरेक्टर सेट होता है, हर लैंग्वेज का अपने कैरेक्टर सेट होता है। यानी कैरेक्टर सेट मीन्स अल्फाबेट्स, चाहे आप उर्दू लैंग्वेज लीजिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए, आप पर्शियन लीजिए, या कोई भी लैंग्वेज आप लीजिए, उसका अपना एक कैरेक्टर सेट है ना जी सर। इसी तरह सी प्लस प्लस लैंग्वेज का भी एक कैरेक्टर सेट है। यानी वो तमाम चीज़ें जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। तो अब हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? एक तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए टू जेड, ओके।
और इसमें हम करते हैं स्मॉल लेटर, स्मॉल ए टू जेड। इसके अलावा इसमें हम इस्तेमाल करते हैं डिजिट्स 10, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं इसमें स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल यहाँ दिए हुए हैं, ये स्पेशल सिंबल्स, ये टिल्ड साइन है, एट द रेट है, हैश है, परसेंट है, कैरेट साइन है, एंड साइन है, स्टार है, प्लस है, माइनस है, ठीक है, इक्वल टू, ये स्पेशल सिंबल्स कहलाते हैं। यानी ये सारी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। यानी जो आप कीबोर्ड पे देखते हैं स्पेशल सिंबल्स, वो सारे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ए कैरेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल वैलिड कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी वो सारे कैरेक्टर्स, वो सारी चीज़ें, सारे सिंबल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसका हम बोलते हैं उसका कैरेक्टर सेट। दे आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स। जब हम कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं। नंबर्स एंड एक्सप्रेशन इन ए सोर्स प्रोग्राम, या नंबर्स बन जाते हैं। यानी हमने 1, 2, 4 को कंबाइन किया, 124 बन गया। इस तरह एक्सप्रेशन बनते हैं, यानी ए इक्वल टू बी प्लस सी, ये एक्सप्रेशन है। अब हम आए कीबोर्ड पे। कीबोर्ड का जो ऊपर का रो है, इसमें 1, 2, 3 उससे इससे ऊपर पहला रो, इसमें फंक्शन कीज हैं। फंक्शन कीज सबसे लेफ्ट में है, एस्केप की, एस्केप, ईएससी इसको बोले, एस्केप की। इसका मकसद ये है, इसकी यूज ये है, अगर कोई विंडो आपके, एक विंडो आपने फॉर एग्जांपल कोई विंडो ओपन की है, आप वर्ड में काम कर रहे हो, तो एक्सीडेंटली इस पर कोई विंडो और ओपन हो जाए, तो उसका हटाने के लिए हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। इसके राइट में F1 to F12 12 फंक्शन कीज हैं, 12 फंक्शन कीज। इनका यूज़ डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट है, लेकिन F1 की जो है, F1 हम हमेशा हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेल्प के लिए। इसी तरह हम F5 को इस्तेमाल करते हैं रिफ्रेश के लिए। F2 को इस्तेमाल करते हैं वर्ड में हम सेव के लिए, F2। इसी तरह Alt F5 करेंगे, Alt और F5 दबाएंगे तो इसे क्या होगा, हमारा C++ प्रोग्राम कंपाइल होता है। यानी C++ में इसका एक काम है। इस तरह अगर कंट्रोल F5 करेंगे तो इससे हमारा प्रोग्राम रन होता है। यानी डिफरेंट है, जो एप्लीकेशन होगी उसी हिसाब से उनका काम भी है। ये 12 है, याद रखना, ये 12 है, F1 to F12। इसके नीचे एक और रो है, एक और रो है, ठीक है। इस पे, इसके लेफ्ट में जो है, इस पे दो सिंबल है, एक है बैक कोट, दूसरा टिल्ड साइन। टिल्ड साइन जिस तरह मद होता है, मद की तरह, एलिफ मदा, मदम डाल एलिफ के ऊपर, उसी तरह यह होता है। इसके राइट में 1 है, और 1 के ऊपर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। यानी अगर हम ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो 1 लिखा जाएगा स्क्रीन पे। अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट भी दबाएंगे यहाँ से, और वहाँ 1 प्रेस करेंगे तो 1 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि वहाँ सेमीकोलन लिखा जाएगा। यानी ये बाई फंक्शनल है, ये 1 भी लिखता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लिखता है। लेकिन 1 कैसे लिखेगा, ऐसे हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो 1 लिखेगा, शिफ्ट दबा के रखेंगे फिर उसको प्रेस करेंगे तो सेमीकोलन आएगा। सेम इज अ केस विद 2। 2 के ऊपर क्या है, हैश है। ऐसे 2 आएगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हैश आएगा। जो ये सारे जो 3 के ऊपर है, 3 कौन सा सिंबल है, सर कीबोर्ड दिख ही नहीं रहा है। आपके पास कीबोर्ड है सर? कौन सा कीबोर्ड, वो लैपटॉप वाला? हाँ जी सर, उस पे देखिए आप, ठीक है सर। उस पे देखिए, सबसे ऊपर की रो है फंक्शन कीज की, F1 to F12, और इसमें लेफ्ट साइड में एस्केप की। इसके नीचे है न्यूमरिक की, ठीक है। लेकिन सर जिस पे वो पॉइंट बना हुआ है 1 से पहले, हाँ इसमें 2 सिंबल है ना, एक ये कॉमा है, छोटा छोटा कॉमा, और दूसरा मध है ना,
मत जैसा, जी ठीक है। तो इस काम को हम बोलते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा इस पे इसको बोले टिल्ड साइन, TILD, टिल्ड साइन। फिर वन है ना, ऐसा जी इसको प्रेस करेंगे वन लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट की, और फिर वन को प्रेस करेंगे वन नहीं लिखा जाएगा बल्कि सेमी कॉलन आएगा, सॉरी ये नोट नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। फिर है टू, टू के ऊपर क्या हैश है, ये भी ऐसे ही काम करेगा। अगर हम ऐसे दबाएंगे टू लिखा जाएगा, अगर हम शिफ्ट दबाएंगे फिर उसको दबाएंगे टू लिखा जाएगा। थ्री के ऊपर क्या है डॉलर साइन, मीन्स जी फोर के ऊपर डॉलर साइन है। टू के हैश पे, फोर के ऊपर थ्री के हैश पे, टू के हैश पे, टू से ए बन गया कौन सा ही, एट द रेट ऑफ, हाँ एट, तो एट साइन बोलते हैं, एट, ईटी एट साइन, थ्री के ऊपर हैश है, फोर के ऊपर डॉलर है, ओके, फाइव के ऊपर परसेंट है, सिक्स के ऊपर इसको कैरेट बोलते हैं, कैप, कैप भी बोलते हैं और कैरेट भी बोलते हैं, CARUT। इसके राइट में सेवन है, सेवन के ऊपर एंड है, इसको एंड बोलते हैं ऐसे हम, लेकिन सी प्लस प्लस हम इसको बोलते हैं एम्परसेंट, AMPRSAND, एम्परसेंट, हाँ। इसके बाद है एट, एट के ऊपर क्या है स्टार है ना, जी सर, स्टार को हम यहाँ बोलते हैं स्टार नहीं बोलते हैं एस्टेरिस्क, ASTERISK, एस्टेरिस्क। फिर नाइन, नाइन के ऊपर ब्रेस है, छोटा ब्रेस है ना, जी सर, इसको यहाँ बोलते हैं सी प्लस प्लस, इसको बोलते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस, OPENING, ओपनिंग पैरेंथेसिस। फिर इसके राइट में जीरो, जीरो के ऊपर भी ब्रेस है ये, लेकिन ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, यानी ये दो पेयर में इस्तेमाल हम करते हैं, एक ही नहीं होगा, एक ओपनिंग के लिए दूसरा क्लोजिंग के लिए, यानी जब आपने किसी जगह एक डाला तो दूसरा जरूरी डालने हैं। अगर आपने दो ओपन किए दो क्लोज करने हैं, अगर हमें तीन ओपन किए तीन क्लोज करने हैं, यानी अकेला काम नहीं कर सकता है। जीरो को जीरो के ऊपर जो ब्रेस है इसको बोलते हैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस, हाँ। फिर इसके राइट में क्या है माइनस, इसको माइनस भी बोलते हैं हम, इस पर दो सिंबल हैं, जो बीच का ये माइनस है या इसको डैश बोलते हैं, इसको हाइफन भी बोलते हैं है ना, हाइफन भी बोलते हैं, हाइफन भी बोलते हैं, इंग्लिश में डालना हो तो वहाँ क्या उसको बोलते हैं हाइफन, डैश भी बोलते हैं, और माइनस भी इस्तेमाल होता है, ये माइनस डालना, थ्री माइनस फोर वहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके ऊपर एक इसी इसी की पे ऊपर की तरफ एक और सिंबल है, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, ये शिफ्ट के साथ आता है, अगर शिफ्ट दबाएंगे फिर इस की को प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर आएगा, अगर शिफ्ट के बगैर प्रेस करेंगे तो माइनस आएगा। अंडरस्कोर की निशानी ऐसे ये नीचे लिखा जाता है, बुनियाद लिखना जब लिखते हैं ना इसको तो नीचे लिखा जाता है, नीचे डॉट आती है, जो माइनस आता है वो बीच में आता है या डैश वो बीच में आता है, ये बीच में नहीं आता है, ये नीचे लिखा जाता है थोड़ा नीचे बॉटम पे। इसके राइट में क्या है प्लस इक्वल, प्लस एंड इक्वल है ना, इक्वल को यहाँ बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट, ASSIGNMENT, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके राइट में बैक स्पेस की है ना, जी सर, बैक स्पेस की से क्या होता है, जहाँ कर्सर होगा, जहाँ कर्सर होगा यानी ब्लिंकिंग कर रहा है ना वो लाइन कर्सर, जो लेखन छा इसके ब्रूम पकड़ कर्सर,
हाँ, जहाँ कर्सर होगा अगर हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो उसके पीछे यहाँ जो यानी जो इसके लेफ्ट में कैरेक्टर होगा वो मिट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी अगर आपने कंप्यूटर लिखा तो आपका जो कर्सर होगा वो आर के सामने होगा, आर के राइट में। अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आर डिलीट होगा, यानी कर्सर के लेफ्ट में आर आता है। एक और बार प्रेस करेंगे बैक स्पेस तो ओ खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी जहां कर्सर होगा तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो उसके लेफ्ट में जो कैरेक्टर होगा वो मिट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ओके, जी सर। इसके नीचे एक और की टैब, ये पढ़ा आपने कल? नहीं सर। ये नहीं पढ़ा। टैब, टैब हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें 6 स्पेस देने होंगी, यानी अगर आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, आप तो लिखना है अपना नाम, पहले आप शाहिद लिखेंगे, ठीक है, फिर डैश, फिर आप बैक से प्रेस करते हो ये स्पेस बार, तो 1 स्पेस आती है ना। जी ठीक, फिर आप दूसरा अपने नाम का दूसरा पार्ट लिखते हो, सुना लेगा मज क्या है, जहाँ स्पेस सर। स्पेस देते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे स्पेस देने होंगी, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, तो आप टैब प्रेस करेंगे, यानी आपका कर्सर 6 स्पेस आगे जाएगा, फिर लिखना शुरू करेगा। इसी तरह हम एक्सेल में टैब को इस्तेमाल करते हैं अगर हमें एक सेल से दूसरी सेल में जाना होगा, क्योंकि एक्सेल जो शीट होगा वो सेल्स का बना होता है। जब एक सेल में होते हैं काम करते हैं, अगर हमें दूसरी सेल में जाना होता है तो हम टैब प्रेस करते हैं, तो आपका कर्सर उस सेल से हट के दूसरी सेल के में जाएगा जो उसके साथ में राइट में, ये टैब का काम है। फिर एक क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी या लेटर्स, यानी अगर हम ऐसे प्रेस करेंगे क्यू को तो क्यू लिखा जाएगा स्मॉल में, अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे फिर क्यू को प्रेस करेंगे तो कैपिटल क्यू आएगा। ठीक है, अगर जी हम चाहते हैं कि सारा कैपिटल आना चाहिए, जो हम लिखूं मैं जो मैं लिखूं वो सारा कैपिटल आना चाहिए, तो मैं कैप्स लॉक पे क्लिक करूंगा, एक बार कैप्स लॉक को ऑन करूंगा तो जो भी मैं लिखूंगा वो कैपिटल में आएगा। अगर मुझे अब स्मॉल में लिखना है, सारा स्मॉल में लिखना है, तो मैं कैप्स लॉक को दोबारा प्रेस करूंगा तो जो उसके बाद आप लिखोगे वो स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, जी पी के राइट में है स्क्वायर ब्रेस, एक है कर्ली ब्रेस दूसरा स्क्वायर ब्रेस, इसको बोलते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रेस और दूसरे को बोलते हैं ओपनिंग स्क्वायर ब्रेस। ओपनिंग कर्ली ब्रेस, ओपनिंग स्क्वायर ब्रेस। जी ओके, इसके राइट में इसका अपोजिट है, यह क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रेस। ओके, इसके राइट में एक और की है, इस पे भी 2 सिंबल हैं, एक को बोलते हैं जो इस की पे लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इस की पे छोटा वाला, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो कहाँ पे हाँ, पी है ना, पी जी पी के राइट में एक की है, उस की को छोड़ के उसके राइट में हाँ सर है ना। इसपे 2 हैं, जी इसपे 2 हैं, एक है इसमें, इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड स्लैश, नॉट फॉरवर्ड, इट इज बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश। हाँ, और इसके ऊपर एक खड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं पाइप, जी पाइप बोलते हैं इसको, पाइप, पी आई पी, पाइप, या इसको बोलते हैं वर्टिकल बार भी, इसको वर्टिकल बार बोलते हैं या पाइप बोलते हैं इसको। जी
ओके, फिर जी सर। जो फिर इसके आगे हमने कल पढ़ा, कल आप क्लास में थी? कल नहीं सर, भी नहीं थी। कैप्स ओके, फिर कैप्स लॉक तीसरी लाइन पे। हाँ, कैप्स लॉक, अगर जी। अगर मुझे सारा कैपिटल लिखना हो तो मैं कैप्स लॉक एक बार प्रेस करूँगा, तो जो कुछ लिखा है मैं लिखूंगा वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो कैप्स लॉक जब मैं प्रेस करूंगा तो ऊपर एक इंडिकेटर होता है, वो जल जाएगा। ठीक है, वो इंडिकेटर वो इंडिकेट करेगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। आप दोबारा कैप्स लॉक को प्रेस करेगा तो वो बुझ जाएगा, इसका मतलब कैप्स लॉक ऑफ है। फिर वो सारा कुछ स्मॉल में लिखेगा। हाँ, फिर वो सवाल को सारा कुछ सवाल लिख देता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना नाम लिखना है या आपको अपना नाम लिखना है, तो आप अपने नाम का पहला करेक्टर कैपिटल लिखते हो, बाकी स्मॉल लिखते हो, है ना? जी सर। ठीक है, तो अगर आपको शाहिद लिखना है तो एस कैपिटल लिखना है, तो आप उस वक्त क्या करोगे, शिफ्ट को दबाओगे, फिर एस दबाओगे, यहाँ से शिफ्ट दबा के रखोगे, फिर एस दबाओगे तो एस कैपिटल आएगा, फिर शिफ्ट को छोड़ोगे, फिर HAHID लिखोगे आप तो वो स्मॉल में आएगा, यानी पहला कैपिटल आएगा बाकी स्मॉल में आएगा। यानी अगर हमें एक करेक्टर लिखना है, एक लेटर लिखना है कैपिटल, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, कैप्स लॉक ऑन नहीं करेंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे और वो लिखेंगे। जी सर। हाँ, इसी तरह ASDFGHJKL, इसके एल के राइट में देखिए आप, इसमें सेमी सर कॉलन कुछ है और, डॉट्स हाँ सेमी कॉलन है और कॉलन जी। है ना? सेमी कॉलन को हम यहाँ बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हाँ, स्टेटमेंट स्टेटमेंट टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। हाँ, तो कॉलन को कॉलन ही बोलते हैं। इसके राइट में देखिए आप, इसमें सिंगल इनवर्टेड कॉमाज और डबल इनवर्टेड कॉमाज है ना? जी तो सिंगल, इसका हम सिंगल इंटर कॉमास नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ सिंगल कोट, सिंगल कोट, QUOT, सिंगल कोट। और ऊपर सिंगल जो है, कोट। जो दो है, इसको बोलते हैं डबल कोट। सिंगल कोट और डबल कोट, यानी एक शिफ्ट के बगैर आएगा, एक शिफ्ट के साथ आएगा। यानी जिस की पे दो सिंबल हैं, एक उसमें से आएगा शिफ्ट के साथ, एक शिफ्ट के बगैर आएगा। अगर ऐसे हम प्रेस करेंगे तो एक सिंबल आएगा, अगर हम शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो उसका दूसरा सिंबल आएगा। लिखना उस पे, स्क्रीन पे लिख के, फिर है एंटर। एंटर का काम है अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना हो, वहां हम एंटर करते हैं प्रेस। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्ड, आपकी वर्ड फाइल खुली है, आप कुछ कंपोजिशन लिखते हो या कोई लेटर लिखते हो, आपने पैरा ख़त्म किया, अब आपको नेक्स्ट पैरा पे जाना है, तो आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट पैरा पे आएगा और वहां से आप लिखना शुरू करोगे। ओके, सर इसके बाद है शिफ्ट। ठीक, शिफ्ट का अपना कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने निकाल नहीं पड़ा, शिफ्ट किसी की के साथ मिलके काम करता है। यानी शिफ्ट ऐसे मैं प्रेस करूंगा, शिफ्ट कुछ काम नहीं करेगा, जब मैं शिफ्ट के साथ और कोई की ना प्रेस करूं तब ये काम करेगा। ओके, इंशाल्लाह कल हम ये पढ़ेंगे, शिफ्ट और जो इससे एसोसिएटेड है, बाकी कल इसका लेक्चर कंटिन्यू होगा। ठीक है सर। ओके, खुदा हाफिज़।